भी दो लोगों के दरमियान, दो हों या ज्यादा हों, उनके दरमियान अगर कोई सिविल डिस्प्यूट है तो सबसे पहले जो इंटेक्ट होगी चीज वो होगी कि हम किसको पार्टी बनाएं। जब हम कोई दावा दाखिल करते हैं तो उस दावे के अंदर दो लोग होते हैं, एक प्लेंटिफ होता है और दूसरा डिफेंडेंट होता है। डिफेंडेंट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, डिफेंडेंट की तादाद की कोई कमी नहीं है। लाइकवाइज प्लेंटिफ की तादाद की भी कोई कमी नहीं है, प्लेंटिफ भी ज्यादा हो सकते हैं। ऑर्डर 8 हमें डिफाइन करता है, ऑर्डर वन जो है सीपीसी का, वो कहता है पार्टीज टू सू हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। सबसे पहले जब आप कोई प्लेंट बनाने जाएंगे तो सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वो ये होगी कि भाई किस केस को किसके खिलाफ दाखिल करना है, कौन आदमी प्लेंटिफ है और कौन आदमी डिफेंडेंट है। तो ये दो लोगों का होना एक लाजमी सी चीज। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर 3 आ जाता है। ऑर्डर 3 हमें यह बताता है कि फ्रेमिंग ऑफ सूट। फ्रेमिंग ऑफ सूट से मुराद हमारी क्या है? फ्रेमिंग ऑफ सूट से हमारी मुराद ये है कि जो आप सूट बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, मतलब उसकी फॉर्मेशन क्या होगी। पहले आप क्या लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे और फिर आप एंड किस तरह से करेंगे। तो ये हमें जो चीज बताती है फ्रेमिंग ऑफ सूट बताती है ऑर्डर 3। लाइकवाइज अब हम आ जाते हैं अपने ऑर्डर 6 की तरफ। ऑर्डर 6 जो है वो है प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स जनरली टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड एविडेंस। आपकी प्लीडिंग्स क्या होंगी? प्लीडिंग्स वो होंगी, अब ये आपको तरीका बताया जा रहा है किसी चीज को बनाने का कि आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप अपना प्लेन बनाएंगे। 6 में हमें बताया गया कि आपने क्या लिखना है। अब देखिए ना, हम प्लेन बनाने तो जा रहे हैं, अब प्लेन हम बना भी रहे हैं, लेकिन अब हमें यह पता होना चाहिए कि उस प्लेन में हमने लिखना क्या है। अब वो हमें बता रहा है ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 हमें बता रहा है कि हम प्लेन किस तरह से ड्राफ्ट करेंगे। अब आपने प्लेन ड्राफ्ट की, उस प्लेन में आपने फैक्ट्स दिए, उस प्लेन में आपने एविडेंस की बात की कि भाई इन हकाइक की बुनियाद पे हम अपना केस दाखिल। उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है वो है ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 हमें डिफाइन करता है कि प्लेन किस तरह की होनी चाहिए, प्लेन में पर्टिकुलर्स क्या होने चाहिए, प्लेन जो आप बना रहे हैं वो उसकी फॉर्मेशन किस तरह की होगी। वो तमाम चीजें हमें डिफाइन की गई हैं प्लेन के अंदर। अब हम प्लेन बनाने जा रहे हैं। अब जैसे कि मैंने कहा आपको, यू जस्ट इन 8 पैराग्राफ, यानी कि हमारा आज का टॉपिक ये है कि आप सिर्फ 8 पैराग्राफ में अपनी प्लेन बना सकते हैं। अब जो मैंने इससे पहले जो बातें की हैं माफ कीजिएगा, वो सिर्फ इसलिए की हैं कि आपको पता चले कि हम सीपीसी में किस तरह से हर ऑर्डर को फॉलो करते हुए बना रहे हैं। जब हम कोई कानून की प्रैक्टिस करते हैं तो उस कानून की प्रैक्टिस करने के लिए हम जाहिर है कोई बहुत सारे कवानीन उसके साथ एक साथ काम कर रहे होते हैं, वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये नहीं कि बस हम आए सर उठा के आए और चले और हमने कहा कि भाई ये हो गया काम, ऐसा नहीं है। हर चीज के लिए एक फॉर्मेशन है। हमने ऑर्डर 1 की फॉर्मेशन दी, ऑर्डर 2 की दी, 6 की दी और अब हम आ गए 7 पे। अब हमारा जो बुनियादी आज का टॉपिक है कि अब आपकी, जाहिर है हर स्टूडेंट जो है वो ये सोच रहा होता है कि भाई सर ये कह रहे हैं कि सिर्फ 8 पैराग्राफ में आपकी प्लेन तैयार हो जाएगी, ऐसा कैसे मुमकिन है? क्योंकि प्लेन के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। ये अब हमने जो सबसे पहले जो चीज लिखनी है वो ये लिखनी है कि आपने कोर्ट का एक टाइटल देना है कि आप किस अदालत में जा रहे हैं। अब जैसे फर्ज करें कि हम एक सिविल सूट फाइल कर रहे हैं और सीनियर सिविल जज की अदालत में हैं, तो हम लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, जिस भी शहर में हो, जिस भी सूबे में हो। ये जर्नल है, आप अगर पंजाब में कहीं हैं, आप केपीके में कहीं हैं, आप सिंध में कहीं हैं, तो उस
सीनियर सिविल जज की अदालत का आप नाम लिखेंगे। उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट लाइन होगी उसमें आप लिखेंगे सूट। अब आपका सूट आ जाता है हमारे पास, हम इससे पहले एक क्लास सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, पिकनरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को याद हो मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मालियाती ज्यूरिडिक्शन है, किसी भी अदालत की एक मालियाती ज्यूरिडिक्शन है कि वो अदालत के पास कितना इख्तियार है। कुछ अदालतें हैं जिसे हम सिविल जज कहते हैं, सिविल जज के पास जो इख्तियार है वो एक लिमिटेड इख्तियार है, उसको एक लिमिटेड स्कोप दिया गया है। फिर उसके बाद उसका उससे बढ़ जाता है, उस मालियाती लिमिट से बढ़ जाता है, उसके बाद सीनियर सिविल जज साहब आ जाते हैं, उसकी इख्तियार से भी बढ़ जाता है तो फिर वो ओरिजिनल साइड पे हाई कोर्ट में चला जाता है। आज जो चीज हम डिफाइन कर रहा हूँ वो जर्नल कर रहा हूँ ताकि इसका फायदा जर्नली लोग ले सकें। हम स्पेसिफिकली हमारे हैदराबाद या सिंध की बात नहीं कर रहे, इसलिए हर जगह की जो लिमिटेशन है, पिकनरी लिमिटेशन जो है, पिकनरी ज्यूरिडिक्शन डिफरेंट है। हमारे पास सिंध में जो है वो सीनियर सिविल जज की लामहदूद इख्तियार आते हैं, वो कितने का भी सूट ले सकता है। लेकिन अगर हम उसको कराची ले जाएं तो कराची में उसकी लिमिट एक फिक्स कर दी गई है कि इससे ऊपर का अगर केस होगा तो वो हाई कोर्ट जाएगा। तो हमने अब सिविल सूट लिखा। अब अगर वो सूट हमारा 1 लाख से 3 लाख रुपए से 1 लाख रुपए से या इससे ज्यादा का है तो हम उस पर लिखेंगे सीनियर सिविल जज की कोर्ट में जा रहा है ये, इसलिए फर्स्ट क्लास सूट लिखेंगे। जब हम लिख रहे हैं सीनियर सिविल जज की अदालत में तो हम उसको लिखेंगे फर्स्ट क्लास FC सूट नंबर जो भी कोर्ट बाद में देगी /2000। उसके बाद हमारे पास हमने ऑर्डर 1 में पढ़ा पार्टीज टू सूट, कौन प्लेंटिफ होगा। अब जो आपका क्लाइंट है जिसकी तरफ से आप प्लेन बना रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस, का नाम, उसके वालिद का नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस, ये प्लेंटिफ की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद आप लिखेंगे वर्सेस, उसके बाद आप लिखेंगे डिफेंडेंट, यदि ऑर्डर 1 की हम कंप्लाइंस करें। मैं आपको उसके साथ अटैच करके समझाने की कोशिश बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये भी रहे कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो चीज़ सीख रहे हैं वो कानून के साथ उसका एक रिलेशन है और उस रिलेशन को फॉलो करते हुए बना रहे हैं। इससे क्या होगा आपको, इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपकी मेमोराइजेशन बेहतर होगी, आप चीज़ों को मेमोराइज बेहतर तौर पर कर सकेंगे कि भाई जो बताया गया था उसमें ऑर्डर 1 ये है, ऑर्डर 2 ये है, ऑर्डर 6 ये है, ऑर्डर 7 ये है। अब हमारे पास आ गया डिपेंडेंट, जिसके खिलाफ हमने केस दाखिल करना है, क्योंकि कोई भी केस हो, कोई भी प्लेंट हो, उसमें डिपेंडेंट का होना लाजमी है, उसके बगैर केस दाखिल नहीं हो सकता। अब डिपेंडेंट आप कितने भी बना सकते हैं, उसके साथ साथ आपके पास जो नेक्स्ट है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सरकारी इदारे हैं। कुछ आप बाद का डिपेंडेंट्स में सरकारी इदारों को भी शामिल करते हैं, तो डिपेंडेंट के लिए भी वही डिस्क्रिप्शन है कि डिपेंडेंट का नाम, उसके वालिद का नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद जो हम सरकारी इदारों को पार्टी बना रहे हैं, सरकारी इदारे का जो भी पार्टी बना रहे हैं उसका पूरा डेजिग्नेशन और वो तमाम चीजें, साथ साथ अगर जैसे कि हम सिंध में हैं तो हम प्रोविंस ऑफ सिंध को भी पार्टी बनाएंगे थ्रू चीफ सेक्रेटरी या थ्रू सेक्रेटरी जो भी उससे कंसर्न होगा। अब ये हमारा टाइटल जो है सूट का, हमारे पास कोर्ट का नाम आ गया, हमारे पास सूट नंबर आ गया, हमारे पास प्लेंटिफ आ गया, हमारे पास डिपेंडेंट आ गया। अब ये हमारा टाइटल ऑफ सूट कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब आता है सब्जेक्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी प्लेंट को दाखिल करने के लिए, वो है सब्जेक्ट। क्योंकि कोई भी जो आपका डिस्प्यूट है उसका सब्जेक्ट लाजमी सी बात है कि उसका सब्जेक्ट जरूर होगा, आप किस सब्जेक्ट पे ये केस दाखिल करना चाह रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट को लेकर हम
फर्ज कीजिए कि हम वो सब्जेक्ट एक डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर रहे हैं, जिसके डिक्लेयर किया जाए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है, या सूट फॉर डिक्लेरेशन परमानेंट इंजंक्शन दाखिल कर रहे हैं आप कि किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट डिस्प्यूट है, उस पर डिस्प्यूट की वजह से उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर भी किया जाए और दूसरे उसको रोका भी जाए। कोई रिकवरी सूट आप फाइल कर सकते हैं, रिकवरी सूट में आप लिखेंगे सूट फॉर रिकवरी ऑफ सो एंड सो अमाउंट। कोई आप जो है करेक्शन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का सूट फाइल कर सकते हैं, तो जैसे लेट सपोज कोई सेल डीड हुई है उसमें हम ये दाखिल करेंगे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड। तो इस तरह के मुख्तलिफ नौयत के सब्जेक्ट और भी इसके अलावा सब्जेक्ट हो सकते हैं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट भी हो सकता है, सेल एग्रीमेंट का कोई हम सूट फाइल करना चाह रहे हैं, कोई शख्स वो अपना कॉन्ट्रैक्ट के जो उसने एग्रीमेंट किया है उसका पार्ट पे वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। ये मैंने चंद एक सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं, आप अपना भी कोई सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब आती है, स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से टॉपिक कि आठ पैराग्राफ्स में आप प्लेन कैसे बना सकते। सबसे पहला जो पैराग्राफ आप लिखेंगे वो लिखेंगे अबाउट दी प्लेंटिफ, ये प्लेंटिफ कौन है, प्लेंटिफ कौन है और क्या करता है, ये तमाम चीजें आप लिखेंगे यानी पहले पैराग्राफ में अबाउट प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के बारे में लिखेंगे कि प्लेंटिफ कौन है, क्या करता है, ये तमाम चीजें। दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे आप कि डिपेंडेंट कौन है और क्या करता है। अब आपके हो गए दो पैराग्राफ, ठीक है, पहले पैराग्राफ में प्लेंटिफ के बारे में आपने लिखा, दूसरे पैराग्राफ में डिपेंडेंट के बारे में लिखा। अब डिपेंडेंट बहुत सारे हैं, तो जिस डिपेंडेंट का जो रोल है उस हिसाब से आप लिखेंगे कि उसमें हम पहले प्राइवेट डिपेंडेंट को लेंगे, गवर्नमेंट डिपेंडेंट के बारे में लिखने की कोई इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट डिपेंडेंट जितने भी होंगे जो सरकारी, उनके लिए हम कोर्ट से ऑर्डर लेंगे उस हवाले से, तो उनका डिस्क्रिप्शन दे दी जो गई है टाइटल में वो सफिशिएंट है। लेकिन जो प्राइवेट डिपेंडेंट्स हैं उनके बारे में आप लिखेंगे कि भाई ये जो डिपेंडेंट है ये कौन है और क्या चीज़। उसके बाद जो हमारा आता है थर्ड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन प्लेंटिव एंड डिपेंडेंट, कि प्लेंटिफ और डिपेंडेंट का क्या रिलेशन है। जैसे कि प्लेंटिफ अदालत में आता है और कहता है कि डिपेंडेंट नंबर वन और टू ने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया है सेल का और मैं जो है वो पेमेंट की है और मैं पैसा देना चाह रहा हूँ, वो पैसे नहीं ले रहा और वो सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, अपने पार्ट जो है उसका पार्ट जो है वो उसकी कंप्लायंस नहीं कर रहा है। तो ये एक मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पैराग्राफ नंबर थ्री आ गया जिसमें हमने लिखा रिलेशन कि प्लेंटिफ और डिपेंडेंट का क्या रिलेशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है डिस्प्यूट। पहले पैराग्राफ में आपने प्लेंटिफ के बारे में लिखा, सेकेंड पैराग्राफ में आपने डिपेंडेंट के बारे में लिखा, थर्ड पैराग्राफ में आपने रिलेशन लिखी प्लेंटिफ एंड डिपेंडेंट। नाउ इट कम्स टू फोर्थ पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ में अब आप लिखेंगे डिस्प्यूट, आपका क्या डिस्प्यूट है, किन हकायक, डिस्प्यूट मीन्स कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पर, किन हकायक की बुनियाद पे, किन वजूहात की बुनियाद पे आप ये केस दाखिल करना चाह रहे हैं। कोई तो ऐसी वजह होगी, कोई तो ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से आप ये केस दाखिल करना चाह रहे हैं। अब आपके हो गए फोर पैराग्राफ, ठीक है, अब ये जो फोर्थ पैराग्राफ है अब आप इसमें क्लॉज ए बी सी डी जितने भी चाहें आप उसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको मजीद वजाहत करना चाह रहे हैं। मकसद फोर के अंदर आप अगर मजीद वजाहत करना चाह रहे हैं तो उसको आप आगे ए बी सी डी करके भी लिख सकते हैं, फाइव सिक्स सेवन एट करके भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक।
हमने अभी तक चार पैराग्राफ लिख लिए, अभी हमारे पास चार पैराग्राफ बाकी है इस हमारी कंप्लीट प्लान पर। अब आ जाता है पांचवा पैराग्राफ। पांचवा पैराग्राफ हमारा होगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ है, जिसके बगैर कोई प्लान के वजूद का तस्वर नहीं है, वो है कॉज ऑफ एक्शन। अब आप एक सवाल है कि व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन, हो सकता है आप सब लोग इसका जवाब दे सकें कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है। इसकी एक बुनियादी एक वन लाइन में जो रिप्लाई है, वैसे तो कॉज ऑफ एक्शन एक बड़ी डेफिनेशन है, बंडल ऑफ फैक्ट्स। बंडल ऑफ फैक्ट्स से हमारी मुराद है किन हकाइक की बुनियाद पे आप ये सूट फायर करने जा रहे हैं। तो अब हम कॉज ऑफ एक्शन का जो पैराग्राफ है वो पांचवें नंबर का पैराग्राफ है, हम उसको किस तरह लिखेंगे के प्रिंटिव और डिपेंडेंट के दरमियान, दैट द कॉज ऑफ एक्शन अरोज टू द प्रिंटिव व्हेन द सेल एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड विद द डिपेंडेंट ऑन सच एंड सच डेट। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, जो हमने एक सेल एग्रीमेंट के हवाले से अगर एक सूट फाइल कर रहे हैं, वो आप कॉज ऑफ एक्शन कोई भी बना सकते हैं, या डेट्स कोई भी हो सकती है, कंटिन्यूटी कोई भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से लिमिटेशन रन करना शुरू करती है। पर वो हम एडवांस जब हम पढ़ेंगे उसमें इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। द कॉज ऑफ एक्शन अकर्ड ऑन सच एंड सच डेट व्हेन द डिफेंडेंट एग्जीक्यूटेड सेल एग्रीमेंट विद द प्रिंटर ऑफ, ये पहला हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट कॉज ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा कि जब डिफेंडेंट ने रजिस्टर सेल डीड एक्सिक्यूट करने से इनकार कर दिया। तीसरा होगा कि जब हमने उसको लीगल नोटिस भेजा। और फिर हम लिखेंगे कि जो कॉज ऑफ एक्शन है ये रीअकरिंग है, ये कंटिन्यूस टाइम टू टाइम टिल द डिस्पोजल ऑफ सूट या टिल द पार्टी एग्जीक्यूट द सेल डीड। अब ये हमारा पांचवा पैराग्राफ कंप्लीट। पांचवें पैराग्राफ के बाद जब हमारा छठा पैराग्राफ होगा वो होगा कि ज्यूरिडिक्शंस के हवाले से, वो होगा ज्यूरिडिक्शन के हवाले से। ज्यूरिडिक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने ज्यूरिडिक्शन लिखनी है, ये हम पिछली एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ज्यूरिडिक्शन क्या है, इस पर मैंने पूरी एक आपको क्लास की डिस्कशन किया था, लेकिन उस दरमियान में काफी गैप आ गया, छुट्टियां होती हैं, ये सारी चीजें आ गई। ज्यूरिडिक्शन क्या है? ज्यूरिडिक्शन का तायुन एक तो के सब्जेक्ट मैटर से होता है कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर किस अदालत में जाएगा। फिर ज्यूरिडिक्शन का ताल्लुक पिकनरी ज्यूरिडिक्शन से होता है अमाउंट के हिसाब से कि कौन सा अमाउंट किस उसमें अदालत में जाएगा। ज्यूरिडिक्शन का हिसाब ज्यूरिडिक्शन का ताल्लुक फर्दर जो हमने अपने तौर पे बनाया है, ये जो चीज़ें हैं ये हमने अपने तौर पे अपनी सहूलत के लिए बनाई हुई, ये कानून तो अपनी जगह मौजूद है। अब एक हम अपने ही शहर की मिसाल दें तो हमारे शहर में जो सीनियर सिविल जजेस की अदालतें हैं वो एक से ज़्यादा हैं। हमारे पास हमारे शहर में जो डिस्ट्रिक्ट जजेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहिबान हैं वो एक से ज़्यादा हैं। इसी तरह से सिविल जज साहिबान जो है हमारे पास वो एक से ज़्यादा है, तो उनको हमने थानों के हिसाब से अलग अलग थानों के हिसाब से उनकी ज्यूरिडिक्शन का तायुन कर दिया है कि भाई सेकंड सीनियर सिविल जज जो है उसके पास फलां थाने की ज्यूरिडिक्शन है, फोर्थ सीनियर सिविल जज है उसके पास फलां थाने की ज्यूरिडिक्शन है। तो वो हमने अपने क्योंकि हमारे पास जजेस की तादाद ज़्यादा है, काम को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो इस तौर पर किया गया है। वैसे तो एक सीनियर सिविल जज सीनियर सिविल जज वन हो या सीनियर सिविल जज फाइव हो, दोनों के इख्तियारात दोनों के तमाम मामला सेम हैं, लेकिन हमने उनको ज्यूरिडिक्शन वाइज इसलिए कर दिया ताकि काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो अब हमने ज्यूरिडिक्शन का तायुन करना है, हमें प्रॉपर कोर्ट में दाखिल करना है। अब ये हमने एक पैराग्राफ और ऐड हो गया। अब उसके बाद आता है कोर्ट फीस। कोर्ट फीस जो है वो भी देना जमा करना लाजमी हिस्सा है, उसके बगैर आपकी प्लान रिटर्न भी हो सकती है, रद्द भी हो सकती है। जो हमें ऑर्डर 7 रूल 11 में हम रिजेक्शन के लिए जाते हैं
इसमें फर्दर हम जब आगे पढ़ेंगे, ऑर्डर 7 पढ़ेंगे, तो उसमें फर्दर उसको डिस्क्राइब किया गया है। लिहाजा हम कोर्ट फीस की बात करेंगे, उस कोर्ट फीस के तहत हम उस कोर्ट फीस को जमा करेंगे, उसको हम उसका भी हमने एक पैराग्राफ बनाना है कि भाई ये सूट जो है इसका अमाउंट लेट सपोज 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए की हमने कोर्ट फीस दी है, 15,000 रुपए जो कि इस प्लेंड के साथ हमने अटैच कर दी गई। अब ये हमारे पास कोर्ट फीस दिया गया। अब हमारे पास जो फाइनल पैराग्राफ है, दैट इज पैराग्राफ नंबर 8, और पैराग्राफ नंबर 8 जो है वो हमारे पास होगा क्लेम। क्लेम जो है वो हर सूट में लेना लाजमी हिस्सा है, लाजमी जो है। अगर आप कोई रिलीफ क्लेम नहीं करते तो सूट फाइल करने का पर्पज ही आपका खत्म हो जाता है, तो वो आपकी प्रेयर होगी। तो 8वां जो पैराग्राफ है आपका, वो आपकी प्लेंट होगी। आप क्या रिलीफ सॉर्ट करना चाह रहे हैं कोर्ट से, आपने क्या आपको रिलीफ कोर्ट से चाहिए कि भाई हमें ये रिलीफ चाहिए अदालत से कि ये जो डिफेंडेंट है ये हमारे फेवर में सेल डीड एग्जीक्यूट कर दे, ये जो डिफेंडेंट है अगर सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करता तो नाजिर ऑफ द कोर्ट या अकाउंटेंट ऑफ द कोर्ट में भी डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट सेल डीड इन माई फेवर, ये जो रजिस्ट्रार साहब हैं इनको डायरेक्ट किया जाए कि ये जो है किसी और की सेल डीड थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना होने दें, जो सिटी सर्वेयर साहब हैं ये हमने डिफेंडेंट जो बनाए थे उनके बारे में अब हम ये बात कर रहे हैं कि वो जो हैं कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना कर दें, तो ये तमाम चीज़ें अब हमारे पास पैराग्राफ नंबर 8 में आ गई। उसके बाद हमने वेरिफिकेशन लिखनी है, सिग्नेचर्स करने, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लेंट जो है वो तैयार होगी इन 8 पैराग्राफ। तो आज का जो हमारा एक सेशन था वो था कि आपको इतनी प्लेंट 8 पैराग्राफ्स में बना सकते हैं, जो कि जब पहली दफ़ा आदमी सुनता है तो वो बड़ा हैरान होता है कि भाई सर अजीब सी बात कह रहे हैं कि 8 पैराग्राफ में प्लेंट कैसे बन सकती है। तो मैंने इसको समंदर को कूदने में बंद करने की कोशिश की है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये प्लेंट। लेकिन जो हमारे नए आने वाले जो वकील मुखला साहिबान हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर लॉयर्स हैं जो इंशाल्लाह आइंदा उसमें इंडक्ट होंगे, उनके लिए ये सेशन था कि हम हमारे पास नॉलेज हो कि हम खुद ये काम कर सकें। जो एक सेइंग है, ग्रेट लॉयर्स आर ग्रेट बेस्ट राइटर्स, जो बड़े वकील होते हैं वो अच्छे राइटर होते हैं। तो कोशिश की मेरी एक छोटी सी कोशिश काविश है कि आप सब लोग ग्रेट लॉयर्स बने, बड़े वकील बने, और आपको लिखना आता हो, आप किसी के मोहताज ना। तो हमारे यहाँ जो एक मोहताजी का सिस्टम चल रहा है कि हम किसी से टाइप करा रहे होते हैं, किसी से जो है, बस मैं वकील और कुछ नहीं कहना चाहता, आपके अंदर ये पावर होना चाहिए कि यू कैन डिक्टेट अ सब पर्सन, आप अपने टाइपिस्ट को डिक्टेट कराएं। ये आपका पावर है, ये आपकी एबिलिटी है कि आप किसी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर आप खुद टाइप कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। उसका जो सबसे बड़ा फायदा है, जो सबसे बड़ा फायदा है, अगर प्लेन आपने खुद ड्राफ्ट की है, आप कभी भी किसी भी अदालत में जहाँ का भी केस हो आपका, आप खड़े होंगे और आप केस प्रोसीड करना शुरू कर देंगे, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि पूरा का पूरा केस आपका अपना बनाया हुआ है।